दोस्तों नॉर्मल यूजिंग के लिए आपको यहाँ पर कितने जीबी तक की स्टोरेज इनफ होती है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है यहाँ पर 11,000 रुपए के अंदर टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी स्मार्टफोन्स इस समय पर आपको काफी अच्छी प्राइस पर मिल रहे हैं और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलते हैं। कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस सभी आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है। 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक आपको ये सेल देखने को मिलने वाली, जहां पर आपको काफी अच्छे डील्स और ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों अगर आपका बजट यहां पर 11,000 रुपए तक के आसपास का है तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं तो सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार आप उन्हें जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेस करना है रेडमी की तरफ से, तो आप इस प्राइस पॉइंट पर चेकआउट कर सकते हैं रेडमी का 10 प्राइम। शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के कैमरा से दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 50+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा बैक साइड में। साथ ही दोस्तों फ्रंट में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा आउटपुट भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। साथ ही दोस्तों यही फोन पहला फोन था जिसके अंदर आपको मीडियाटेक हीलो G88 का प्रोसेसर भी देखने को मिला था, जो कि दोस्तों काफी अच्छा प्रोसेसर है यार, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी करा देता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एक और काफी अच्छा फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले का तो सपोर्ट देखने को मिलेगा ही, साथ ही डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, और इसके अलावा यहाँ पर आपको 90Hz की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस यार इस प्राइस पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और इसके अलावा 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, तो ऑडियो आउटपुट भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इसके साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ड MIUI 12.5 पर देखने को मिलता है, तो सॉफ्टवेयर में जो बग्स वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर काफी कम देखने को मिलेंगे। सबके पास देखेंगे तो फोन काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो एक बार जरूर से देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल जाएगा 4GB RAM 64GB मेमोरी के साथ में 11,990 रुपए की प्राइस पर, जहां पर आपको बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद आप इस स्मार्टफोन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,800 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। 11,000 रुपए के हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा फोन है रेडमी की तरफ से, तो आप डेफिनेटली एक बार इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ज्यादा रैम और साथ ही कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए एक बढ़िया वाला स्मार्टफोन परचेस करना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं पोको का M3। दोस्तों तो यहाँ पर आपको बैक में 48+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से, साथ ही आपको यहाँ पर डिसेंट कैमरा आउटपुट भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें बैटरी बैकअप की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000 mAh का बैटरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिलेगी, और इसके अलावा 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। और कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए आपको यहाँ पर काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.5 इंचेस की, जहाँ पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन भी देखने को मिलेगा और IPS पैनल का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 662 का एक डिसेंट वाला प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस दे देगा, साथ ही आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी करा देगा। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, तो कंटेंट वगैरह वॉच करते टाइम और साथ ही इसको गेमिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर ऑडियो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। और इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड MIUI 12 पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा देखने को मिल जाएगा।
तो गाइस अगर आप चाहें तो यार इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 11,499 रुपए की प्राइस पर, जहाँ पर कुछ 6GB की रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आपको यहाँ पर काफी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी 8i स्मार्टफोन की। यानी गाइस ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 12,499 रुपए की प्राइस पर, और उस हिसाब से दोस्तों काफी अच्छी डील है। बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन की, तो यार इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G96 का एक तगड़ा गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन और साथ ही आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी बैकअप की, तो आपको यहाँ पर 5000mAh की डिसेंट बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज है जो कि आपको इस प्राइस पर मिल रहा है। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 12,999 रुपए की प्राइस पर, जहाँ पर आपको 4GB रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर सप्लाई कर देते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11,249 रुपए की प्राइस पर देखने को मिल जाएगा, और उस हिसाब से तो काफी अच्छी डील है यार। तो इस डील को भी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सोफी और बात करते हैं यहाँ पर एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी स्मार्टफोन की, जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली, या दोस्तों आप यहाँ पर एक इसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पोको की तरफ से आने वाला पोको M2 Pro। शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी से दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ग्लास बिल्ड के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो यार ऐसे स्मार्टफोन्स आपको इस प्राइस पर देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर कैमरा की, तो आपको यहाँ पर बैक में 48+8+5+2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों आप फ्रंट से फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 120fps पर। लेकिन दोस्तों बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 30fps पर, और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और कैमरा आउटपुट से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली, कैमरा आउटपुट यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की डिसेंट बैटरी का सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिलेगी, और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर 8nm की फैब्रिकेशन पर देखने को मिलता है। तो हीटिंग की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आपको यहाँ पर काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड MIUI 12 पर देखने को मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाएगा इस, तो यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिल रहा है, बेस्ट ऑलराउंडर फोन है, परफॉर्मेंस गेमिंग कैमरा डिस्प्ले सब कुछ आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ 11,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों बैंक ऑफर्स लगाने के बाद आप इस स्मार्टफोन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,799 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं यार। तो उस हिसाब से बहुत ही कमाल का फोन है, तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। फाइनली बढ़ते हैं आखिरी फोन की तरफ, और आखिरी फोन दोस्तों बहुत ही ज्यादा औसम है, हालांकि थोड़ा सा महंगा है। और गाइस ये स्मार्टफोन है मोटो की तरफ से आने वाला मोटो G40 फ्यूजन। इस स्मार्टफोन के फीचर्स आपको यार काफी ज्यादा धमाकेदार देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के कैमरा से, तो यहाँ पर आपको 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर भी सेल्फी कैमरा दिया गया है, जहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 120fps तक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और कैमरा आउटपुट भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए आपको यहाँ पर 6.8 इंचेस यानी लगभग 7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट भी दिया गया है। तो
तो गेमिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। और जहाँ तक बात है बैटरी बैकअप की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000 mAh का बैटरा भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 20W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिलेगी और इसके अलावा 3.5 mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 732G वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर 8nm की फैब्रिकेशन पर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हीटिंग बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कमी लगी कि स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 memory card लगा पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और अच्छा पॉइंट देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 बेस, तो आपको यहाँ पर कोई भी ब्रॉडवेयर ऐप और एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। तो गाइस, अगर आप चाहें तो इस फोन को देख सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा यहाँ पर 4GB RAM 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 12,999 रुपये की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों बैंक ऑफर्स लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 11,799 रुपये की प्राइस पर मिलेगा। और उस हिसाब से दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का फोन है, तो डेफिनेटली आप इस फोन को भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट इतना नहीं है और आप यहाँ पर एक गेमिंग स्मार्टफोन ही लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर Realme का Narzo 34G स्मार्टफोन भी देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको MediaTek G95 वाले प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर 6.5 inch की 90Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 48MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर, 5000 mAh की बैटरी और 30W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलता है नॉर्मली 12,499 रुपये की प्राइस पर, जहाँ पर 4GB RAM 64GB इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन इस सेल में ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 11,499 रुपये की प्राइस पर मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगा लेते तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,349 रुपये की प्राइस पर मिलेगा। और 10,000 रुपये के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कड़क डील है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना चाहते थे, तो आप यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M32 4G स्मार्टफोन भी देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको MediaTek G80 प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर सुपर AMOLED की पैनल देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 90Hz तक की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पर 64MP के क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल गाइस, ये काफी अच्छा फोन है, हालांकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है 12,999 रुपये की प्राइस पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगा लेते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 11,749 रुपये की प्राइस पर। तो उस हिसाब से दोस्तों ये भी एक काफी अच्छा फोन है, तो डेफिनेटली आप चाहें तो एक बार इस फोन को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और भी तगड़े फोन देखने को मिलते हैं, हालांकि उन्हें एक वीडियो में तो ऐड नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए हमने उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप चाहें तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।